श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा कल यानी 19 अगस्त को शाम 4:30 बजे गीता भवन से निकलेगी। सनातन धर्म सभा के सदर सतीश सासन ने की पूंछार से तफसीली बात। श्री विष्णु भगवान जी की का प्रकट उत्सव जो है वो मनाया जाएगा। ये जो दिन 2 शेष बचे हैं, सभी लोग गीता भवन पहुंचे और एक दो कथा श्रवण करें, दूसरा शोभा यात्रा के साथ चलकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसलिए पूरे भारतवर्ष में कल ही जो जन्माष्टमी का पर्व है जो मनाया जा रहा है, और कल ही हर जगह पे, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो रजौरी हो, चाहे पुंछ हो, सभी कार्यक्रम जो हैं वो कल ही किए जा रहे हैं। इसलिए हमने भी ये निर्णय लिया कि हम भी उसी दिन कार्य करेंगे जिस दिन देश के बाकी हिस्सों में भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इसलिए मैं सभी पूंछवासियों से ये पुरजोर निवेदन करूंगा कि वो कल ठीक 4 बजे गीता भवन में पहुंचकर शोभा यात्रा के साथ चलें और कल ही रात को फिर गीता भवन में पहुंचकर भगवान के इस प्रकट उत्सव में भी शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। मोहल्ला कमा खान के रिहायशी रामलाल वल्द दीवान चंद ने की पूछताछ से बाद कहा, 5 रोज से उनकी गाय बीमार थी, 12 वेटनरी अस्पताल के चक्कर लगाए लेकिन डॉक्टर ना आए, जिसकी वजह से उनकी गाय मर गई। महकमा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील। जो बीमारी चल रही है 2 महीने से, ये बीमारी से बनी है, बाकी कोई आपसे बीमार है नहीं आया। हाँ गए थे तो कोई नहीं आया, तो हमने प्राइवेट इलाज कराया इसको। जी जब से बीमार है 25 दिन बीमार है, बिल्कुल हम हमारे सराई गिर जाए गरीब बंदे, हम 70,000 की बैठ 70,000 की बात, हम ऐसे हमारे तकड़े गए कि हमारा कोई इलाज नहीं आया, उनको मतलब मरना नहीं है, रात को डॉक्टर हमारे घर आए। जिला पुलिस ने मोटर बाइक तिरंगा रैली की बरामद पुलिस लाइन से निकलकर शेर कश्मीर पुल के रास्ते से कलाई से होते हुए दोबारा पुलिस लाइन पुंछ में हुई रैली इख्तिताम पसी। लाइन पुंछ से भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ ने जो है एक रैली निकाली, जो कि जिसमें 50-60 हमारे बाइक्स ने यहाँ से डीपीएल से बस स्टैंड से होती हुई एस पी ब्रिज और फिर कलाई तक भी वहाँ से वापस हम यहाँ से डीपीएल में कर लेंगे। तो सर जो सभी देशवासी इस रैली का और इन तमाम रैली का यही सुरनकोट में पहाड़ी कबीले की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू के सिद्रा में एक ही घर के 6 अफराद की मौत पर किया इजहार अफसोस, इंतजामिया से कार्रवाई का किया मुतालबा और पहाड़ी लीडर कुलदीप राजगुप्ता के इंतकाल पर भी किया इजहार अफसोस। हत्या हुई, मैं घोर निंदा करता हूं ऐसे कारनामों के और मैं ये सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे जो अजायम हैं या ऐसे इस किस्म के जो लोग हैं जो रात की अंधेरी का फायदा उठा के ये जो एक पुरअमन माहौल है, ये एक अच्छा माहौल है रियासत जम्मू कश्मीर का, उसको खराब करना चाहते हैं, वो उसकी हम निंदा करते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोगों को
और ऐसे लोगों पर एक्शन किया जाए। गुप्ता जी ने ये कहा मुफ्ती साहब से कि जब तक आप ये गाँव ये जो इलाके आपने इसमें एंटर किए जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे हम बोर्ड की मीटिंग जो है वो नहीं होने देंगे। सबसे पहले वो ऑर्डर कैंसिल करवाया गया, डोडा पंद्रवा कश्तवाड़ को अलग किया गया, जो इलाके इसमें फॉल करते थे रजौरी पुंछ करना उड़ी जितनी भी जो तहसीलें या डिस्ट्रिक्ट फॉल करते थे उनको इंटर किया गया और पहाड़ी जो है मीटिंग शुरू हुई। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी जो है पहाड़ी कबीला के लोगों के लिए जो है कुलदीप राज गुप्ता ने दी है। मैं उनके परिवार के साथ पूरे इलाका की तरफ से अवाम सुरनकोट के पहाड़ी कबीला के लोगों की तरफ से पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों की तरफ से और जितनी भी हमारी पहाड़ी कौम है 12 लाख जो हम पहाड़ी है आज हम उनके साथ हैं। स्टोन क्रेशर ऑनर्स एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस हाई कोर्ट की जानिब से उनके हक में दिए गए फैसले पर किया हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा। दायर हुई थी कुछ स्वार्थी लोगों के इशारे के ऊपर उनकी कर्तनी पे वो जो है उन्होंने उसका गंभीरता से संज्ञान लिया है और वो उन्होंने ब्लैंकेट बैन को हटा दिया है। अब डायरेक्टर जॉर्जी माइनिंग सेक्रेटरी जॉर्जी माइनिंग इसका जल्दी टेंडर प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे। जैसे बाकी ब्लॉकों में सुचारू ढंग से काम चल रहा है वैसे तवी के अंदर भी टेक्निकल माइनिंग होकर सुचारू ढंग से काम चलेगा। अब वो देर रात्रि वाला काम नहीं चलेगा, अब वो दिन के उजाले में काम होगा और बेहतरीन तरीके से काम होगा। यानी कि कालाबाजारी पे आप रोक लगते हैं? कालाबाजारी पे रोक काफी हद तक लग चुकी है लेकिन ये जो लुका छुपी का गेम जो है वो तभी में चल रही थी उस पे रोक लग जाएगी। आज आपके द्वारा प्रेस वार्ता भी की जा रही है, क्या कुछ मुद्दे लेके यहाँ पहुँचे? देखिए आम नागरिक को इसका फायदा पहले ही होना शुरू हो चुका था जबकि अब मुझे ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस जम्मू ने मन महेश यात्रा के लिए खाने पीने की अशिया से भरा हुआ एक पूरा ट्रक किया रवाना। सदर और पुलिस अफसरान ने ट्रक को हरी झंडी दिखाई। इसकी यात्रा जो है आगे और बढ़ते रहे और हम जम्मू का जम्मू वाले जो है बाहर जाके जो लंगर लगाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और जितने भी मेरे मेंबर्स हैं आज यहाँ वेयर हाउस के मुझे नहीं लगता कोई ऐसी दुकान ना हो कि जिन्होंने इस यज्ञ में आहुति ना दी हो। हर एक मेरे मेंबर ने इस यज्ञ में आहुति दी है और बड़ा खुशी का पल है और मैं चाहूँगा कि जम्मू वाले जो भी यात्रा करना चाहे वो महेंद्र गिरी जी को कांटेक्ट करके इधर चलता है क्लाश में मनी महेश चंबा से आगे और ये लंगर इतना भव्य होता है कि चंबा के डीसी ने भी बोला है कि बाबा जी आ लंगर सब पीछे आते हैं आप पहले आते हो तो अपना लंगर जो रक्षाबंधन से लेकर राधा अष्टमी तक चलता है तो इस बार लेट इसीलिए हुए हैं हमारे परमंडल में पानी की भयंकर तूफान आया उस वजह से लेट हो गए नहीं तो कंटिन्यूज 20 साल से हमारे कुलदीप जी इस लंगर को 2002 से शुरू किया है और ये हर साल बढ़ते 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 बढ़ता चला जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में अब वो लोग भी अपना वोट डाल सकेंगे जिनको अब तक वोट डालने की इजाजत न थी। लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है तो एक वो भी बड़ी तादाद में लोग अब आ सकते हैं अपना वोट दर्ज कराने के। उसके लिए सिंपल है जो रूल है पूरे कंट्री में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रूल है कि पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द यूपी जहाँ पे भी वो रिपोर्ट बनवाना चाहता है वो वहाँ पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए। ऑर्डिनरीली रिजाइड करने का जो डिसीजन है वो ईआरओ को लेना है जो वहाँ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या एईआरओ हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे ऑर्डिनरीली रहता है यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के भाजपा तर्जुमान ने कहा कि हमारा अगला मंसूबा पाक ज़ेरे इंतजाम कश्मीर को अपने साथ मिलाना है। कहा महबूबा और फारूक अब्दुल्ला फ्रस्ट्रेशन में दे रहे हैं गलत बयान। उसे उनकी इनॉग्रेशन की है और जो कम्प्लीट हो गई है उसके साथ साथ मैं डिफरेंट डेलीगेशन से मिला और यही हुआ जो लोग हमेशा चाहते थे जो 70 साल से वंचित रहे डेवलपमेंट का आज लोगों के साथ मिलकर मैं इस बात की खुशी हो रही है कि लोग अब महसूस कर रहे हैं कि बिहार में जब उसने दूर टाफी की बात की है उन्होंने जो यहाँ के नौजवान है जो कश्मीर का नौजवान है उसको सिर्फ पलट बलट और लाठियां ही दे दी है इसलिए वो डर रही कि जो जम्मू कश्मीर के 50 लाख जो नए वोटर्स इस वोटर लिस्ट में इंडक्ट हो रहे कहीं ना कहीं वो महबूबा और उमर को रिजेक्ट करने वाले क्योंकि आज का नौजवान समझदार है वो जानता है कि मुझे किसको वोट डालना है इसलिए जो फ्रस्ट्रेशन लेवल इस हद तक
उभरी है, इसका रीजन यही है कि आज का नौजवान फारूक अब्दुल्ला को भी रिजेक्ट करता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी रिजेक्ट करता है, वो पीडीपी को रिजेक्ट करता है। अब वो लाल और वो सब्ज वाली सियासत नहीं, अब डेवलपमेंट की सियासत है, अब विकास की सियासत है, अब पीस की सियासत है, अब प्रोग्रेस की सियासत है, इसलिए ये पार्टियां डर रही है। और साथ साथ में अब जो मसला कश्मीर की उनको याद आई, मैं महबूबा जी से कहना चाहता हूं, तैयार रहिए, अगला टारगेट हमारा पीओके है, 6 महीने के अंदर अंदर देखिए पीओके भी हम कश्मीर में मिला देंगे, आप उसके लिए तैयार रहिए। और एक ही बार हम बार बार मसला कश्मीर का ये राग अलाप रही है, उसको हम एक ही टारगेट में एक ही वक्त हम सालू करने वाले, तैयार रहे, उसको भी हम वापस ला रहे। देखिए दो खानदानों का मिलाप है, एक अब्दुल्ला। इलेक्शन कमीशन का फैसला तगलकी फरमान, जम्मू में एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करने पर किया इजहार अफसोस, कहा इलेक्शन कमीशन को ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए, रियासत का दर्जा बहाल करने का किया मुतालबा। ड्रोन से हथियार गिराने का मामला, जम्मू में मुतअद्दिद मुकाम पर तलाशी कार्रवाई की गई। Thank you.